आपके फ़ोन का जो स्पेस है वो भर जाता है, और बहुत सारे ऐप्स जो हैं आपके बहुत सारा स्पेस खा रहे हैं, और आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो हर कुछ दिन के अंदर भर जाता है। जितना भी खाली करो, कुछ भी वीडियोस वीडियोस फ़ोटोज़ आपके हैं नहीं, लेकिन फिर भी वो भर जाता है। तो इसका क्या तरीका है, कैसे हम फ़ोन को खाली कर सकते हैं, कैसे हम इंटरनल स्टोरेज को कम कर सकते हैं, चलिए आज मैं आपको वही बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोन है, मैं बताता हूँ कौन सा फ़ोन है, मैं जिस फ़ोन में मैं ये कर रहा हूँ, ये है मेरे पास ओप्पो का A77S। ठीक है, ये कलर OS 14 के साथ आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से अपना इंटरनल स्टोरेज जो है वो खाली करेंगे, कौन से ऐप्स हैं जो ज़्यादा आपके यहाँ पे स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले आप जाइए यहाँ पे सेटिंग्स में, ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे अगर आएंगे तो ऐप्स का ऑप्शन आएगा। ठीक, हो सकता है आपका ऐप सेटिंग हो या फिर इंटरनल ऐप्स हो, ऐसा ऐप मैनेजमेंट हो, इस तरह का यहाँ पे कोई ऑप्शन होगा आपका। तो ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए कई सारे ऐप्स हैं जो मैंने इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। ठीक है, कैनरा बैंक का हो, फेसबुक हो, फायरफॉक्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए जीमेल का भी है, ग्रो है, गूगल पे है, हॉटस्टार है, कुवेरा, बहुत सारे यहाँ पे ऐप्स जो हैं मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैंने एडोब फोटोशॉप एक्सप्रेस जो है इसका यहाँ पे ओपन किया है। यहाँ पे नीचे देखिए स्टोरेज यूसेज लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप ये वाला, तो इस स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए डेटा है, आपके जितने भी डेटाज हैं वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर डेटा लिखा हुआ है, इस क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 265 MB, 220 MB, 45 MB। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लियर डेटा करके डिलीट करूँगा, देखिए सिर्फ 220 MB रह गया, बाकी सब यहाँ पे हट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं इससे पहले आपको दिखा देता हूँ कि मेरा इंटरनल स्टोरेज था कितना और अभी कितना रह गया। ओके, डिवाइस का मेरा स्टोरेज है 97.2 यहाँ पे यूज़ हो चुका है। ठीक है, तो इससे कम होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कितना कम कर पाते हैं। फिर से हम सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए अमेज़ॉन है, ठीक है, अमेज़ॉन का यहाँ पर क्लियर कैश करिए, नीचे वाला जो ऑप्शन है इसमें 33 MB कम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर क्लियर डेटा कर देंगे आप, ठीक है, तो अमेज़ॉन को आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, जो भी ऐप आपका मतलब आईडी पासवर्ड के साथ है तो उसका आईडी पासवर्ड आप अपने पास रखिए पहले, उसके बाद यहाँ पे क्लियर डेटा करिए, ताकि उसके बाद जब आप लॉगिन करिए तो आपका यहाँ पे आईडी पासवर्ड यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जैसे फेसबुक, अमेज़ॉन, इसका आईडी पासवर्ड, ईमेल आईडी पासवर्ड अगर आप भूल गए होंगे, ठीक है, और अगर यहाँ पे डेटा क्लियर कर देंगे तो वो आईडी पासवर्ड रिमूव हो जाएगा, तो फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। अगर भूल गए होंगे तो लॉगिन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इन सारे ऐप्स को आप यहाँ पे एक एक करके चेक करिए, बहुत सारे यहाँ पे हैं। देखिए देखिए यहाँ पे एक तो है AI करके कुछ है, इसे आप क्लियर डेटा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 109 रह गया, 119 था। ठीक है, तो अभी और यहाँ पे क्या क्या है देखते हैं। एंजल वन है मेरे पास, यहाँ पे 167 MB दिखा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लियर डेटा किया तो 167 MB बन गया मेरा 149 MB। ऐसे करके आपके कई सारे यहाँ पे ऐप्स होंगे जिनको आपको यहाँ पे खाली करना है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा क्रोम, यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियर ऑल डेटा करना पड़ेगा इसका। क्रोम यहाँ पे 600 MB पकड़ के बैठा है, 600 MB, अभी कितना हो गया ये देखिए, 282 MB हो गया। ठीक है, अभी फिर से क्लियर डेटा करेंगे, क्लियर ऑल डेटा, ये देखिए सिर्फ 23 MB का रह गया, 600 MB से 23 MB, कितना मतलब खाली हो गया होगा सोचिए। ठीक है, अभी फिर से हम जाएंगे, कोई भी बड़ा बड़ा ऐप हो, जैसे फेसबुक है, फेसबुक भी बहुत सारा है, मतलब जो आपका MB है वो लेता रहता है, अपना स्पेस अपना कंज्यूम करता रहता है। ये देखिए 769 MB लिया हुआ है, अभी मैं अगर यहाँ पे क्लियर कर दूँ तो 769 से ये बन गया 428, 700 से 400 बन गया, मतलब 300 MB एक्स्ट्रा खाया हुआ था वो। अभी देखिए फायरफॉक्स है, इसने भी 550 MB लिया हुआ है मेरा, तो इसे भी हम क्लियरेंगे क्लियर डेटा, तो यहाँ पे देखिए 550 MB बन गया 250 MB, 269 MB, देख रहे हैं कितना कितना यहाँ पे वो लोग कंज्यूम करके रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे कर करके आपको यहाँ पे अपना डेटा जो है वो थोड़ा सा कम करना है। ओके, चलिए अभी देखते हैं कि यहाँ पे कितना डेटा मेरा रह गया। माई फाइल्स में जाते हैं, ये देखिए अभी 95 हो गया, 97 था अभी 95 हो गया, मतलब 2 GB मैंने अभी खाली कर दिया, इतने ही 2-3 मिनट के अंदर मैंने 2 GB खाली कर दिया। इस तरह से आप काफ़ी सारा यहाँ पे अपना डेटा जो है वो खाली कर सकते हैं, और काफ़ी सारा जो स्टोरेज है वो सेव कर सकते हैं अपना।
ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पे थोड़ा फ़ायदा होगा कि फ़ोन थोड़ा सा फास्ट चलेगा, ठीक है, और स्पेस का इशू नहीं होगा। मैं तो रेकमेंड करूँगा एक SD कार्ड भी लगा के रखिए आप, ताकि आपका यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फाइल्स होते हैं जैसे वीडियो फोटोग्राफ्स अगर आप लेते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे SD कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपना इंटरनल स्टोरेज खाली कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।